सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड में पाठ 2 कैकेयी अनुताप, जिसका अर्थ होता है कैकेयी का प्रायश्चित, जिसके रचयिता हैं राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो इनका साहित्यिक परिचय जो है आप अपने किताब से देख करके स्वयं लिखेंगे। ठीक, कैकेयी का अनुताप, इसको आप पढ़ लीजिए। पहला है तदंतर से लेकर के जैसी तक, ना? तदंतर से जैसी तक, देखिए, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहुजागे, टकटकी लगाए नैन शुरू के थे वे, परिणाम उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के द्वारा किए गए प्रायश्चित का ही बड़ा ही सुंदर और चित्रात्मक वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, तदंतर में तत्पश्चात भगवान प्रभु श्री राम जी की सभा माने कुटिया के न सभा उठज उठज के उठज माने कुटिया के सामने सभा बैठी हुई थी न। नीले वितान, नीले यानी आकाश रूपी नीले, वितान माने तंबू या चंदोवे के नीचे असंख्य दीप बहु, दीप बहु माने असंख्य, दीप माने तारा रूपी दीपक जगमगा रहे थे। ठीक, टकटकी लगाए नैन शुरू के थे, टकटकी माने एक टक, नैन माने नेत्र, सुर माने देवता। इसी बीच जो है वहां देवतागण उपस्थित हो जाते हैं और उस सभा को एकटक देखने लगते हैं। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे, वह परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भयभीत भी थे। भयभीत क्यों थे? भयभीत इसलिए थे कि कहीं प्रभु श्री राम जी जो है भरत जी के आगमन को गलत ना समझ बैठे और कोई कठोर निर्णय दे दें। यदि ऐसा होता है तो भरत जी के साथ साथ मानवता के साथ भी बड़ा अन्याय हो जाएगा, इसलिए देवतागण परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भयभीत भी थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, पास में ही एक करौंदी का कुंज माने बगीचा था जिसमें उत्फुल्ल यानी फूल खिले हुए थे, वहां से सुगंधित वायु आ रही थी और बैठी हुई सभा को महमह कर अपनी महक से पुलकपूर्ण रोमांच से भर रही थी। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, ना? जैसी चंद्रमा की चांदनी प्रभु श्री राम जी की कुटिया के चारों ओर थी, वैसी चंद्रमा की चांदनी मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निध निजे, नीर निध जैसे, ना? नीर निध माने समुद्र, प्रभु श्री राम जी समुद्र के समान गंभीर गिरा माने बाड़ी में बोलने लगे, है ना। तो एक बार फिर से देखिए, भरत जी को प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए भरत जी, उनकी माताएं और अयोध्या समाज प्रभु श्री राम जी के कुटिया पर पहुंचता है। उसी का जो है सुंदर चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से किया है। वह कहते हैं कि तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी की कुटिया के सामने सभा लगी हुई थी, आकाश रूपी नीले चंद्रवे के नीचे असंख्य तारा रूपी दीपक जगमगा रहे थे, ना? इसी बीच जो है देवतागण आ जाते हैं और टकटकी लगा करके उस सभा को देखने लगते हैं। वह परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भयभीत भी थे। परिणाम जानने के लिए उत्सुक इसलिए थे, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और भयभीत भी थे। भयभीत इसलिए थे कि कहीं भरत प्रभु श्री राम जी जो है भरत जी के आगमन को गलत ना समझ बैठे और कोई कठोर निर्णय दे दें। यदि ऐसा होता है तो भरत जी के साथ साथ मानवता के साथ भी बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा,
इसलिए जो है देवतागण उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक और भयभीत भी थे। पास में ही एक करौंदी का बगीचा था जिसमें फूल खिले हुए थे। वहां से आती हुई सुगंधित वायु वहां बैठी हुई सभा को रोमांच से भर रही थी। चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रभु श्री राम जी की कुटिया के सामने चारों ओर बिखरी हुई थी, फैली हुई थी। ऐसी चंद्रमा की चांदनी चंद्रलोक में भी देखने को नहीं मिलती है। प्रभु श्री राम जी ऐसे प्राकृतिक मनोरम सुंदर वातावरण में समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। यहां तो देखिए प्रभु श्री राम जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहने लगते, हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, भक्तमाने श्रेष्ठ भरत, अब अपनी अभिप्सित माने अब अपनी इच्छाओं को कहो, सब सजग हो गया भंग हुआ जो सपना। सभी लोग एकदम से जग जाते हैं, ऐसा लगता है कोई सपना देख रहे हो और टूट गया हो और जग गए हो ना? हे यार, भरत जी दुखी होकर के कहने लगते, हे यार, रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मुझ भरत की कोई मनोकामना अभिप्सित माने इच्छा शेष हो सकती है? मिल गया अकंटक राज उसे तब भी, जबकि उसे तो मुझे तो अकंटक माने बाधाओं से रहित राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, अरण्य माने होता है जंगल, और आपको जंगल में तरुतले वृक्ष के नीचे बसेरा मिल गया है। रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा, फिर भी अब मेरी और कौन सी शेष यानी मनोकामना शेष बचती है, रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप तातन त्यागा, तन तन माने प्राण और तन माने शरीर। पिताजी ने आपके वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया है। क्या रहा अभिप्सित और तथा अभागा, अब फिर भी मुझ इस अभागे की और कौन सी मनोकामना शेष हो सकती है? इसको पुनः देखें बेटा, प्रभु श्री राम जी जो है समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहने लगते हैं कि हे शिष्ट भरत, अब अपनी मनोकामना को बताओ। प्रभु श्री राम जी की इस वाणी को सुनकर के वहां उपस्थित सभी लोग एकदम से जग जाते हैं। ऐसा लगता है कोई सपना देख रहे हो और सपना बीच में टूट गया हो और टूटते ही एकदम से जग गए, उठ गए हो। भरत जी कहने लगते हैं, हे यार, अब मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है? मुझे तो बाधाओं से रहित राज्य मिल गया है और आपको जंगल में वृक्ष के नीचे बसेरा मिल गया है। अब मेरी कौन सी मनोकामना शेष हो सकती है? आपके वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया है, फिर भी अब मुझ अभागे की और कौन सी मनोकामना शेष हो सकती है? आगे देखिए, हा इसी ऐस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ अनंत था मेरा, अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद नहीं फिर सींचा। भरत जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं और कहने लगते, हाय इसी अपयश को पाने के लिए जनन यानी मेरा जन्म होना था ना? तो भरत जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर के कहने लगते, हाय क्या इसी अपयश को पाने के लिए मेरा जन्म होना था? निज जननी, अपनी ही माता के हाथों से ही मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या होनी थी, अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका, हे यार अब मेरी और कौन मनोकामना हो सकती है ना? मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है? यहां जिसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर से, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, यहां तक कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझसे यहां तक कि
मेरी स्वयं से विरक्ति हो गई है, और जिसकी स्वयं से विरक्ति हो गई हो, जिसकी स्वयं की चाहना ना हो, उसकी और कौन सी इच्छा हो सकती है? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाई भरत को खींच करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, और फिर रोते हुए अत्यंत प्रेम के साथ उन पर प्रेम आंसुओं की वर्षा करते हैं, सींचते हैं, प्रेम आंसुओं से उन्हें सींचते हैं, और कहने लगते हैं उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिनको। उसके हृदय की गहराई को, उसके उच्च भावनाओं को इस संसार में कौन जान सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई। एक बार इसे पुनः देखें। हा इसी ऐसे के हे जनन था मेरा, पुनः एक बार देख लें। प्रभु देखिए, भरत अत्यंत दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं हाय इसी अपयश को पाने के लिए ही मेरा जन्म होना था। मेरी चारित्रिक और मानसिक हत्या खुद की ही माता के हाथों होने की। हे यार, अब मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है? कैसी इच्छा हो सकती है जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया हो, यहां तक कि मेरी स्वयं से ही विरक्ति हो गई है। अब हे आर्य, अब आप ही बता दीजिए मेरी और कौन सी इच्छा हो सकती है। प्रभु श्री राम जी ने अपने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, फिर रोते हुए प्रेमाश्रुओं से उन्हें सींचते हैं और कहने लगते हैं कि उसके हृदय की गहराई को या उसकी उच्च भावनाओं को इस संसार में कौन जान सकता है, जिसकी उच्च भावनाओं को या हृदय की गहराई को जन्म देने वाली उसकी माता ही नहीं जान पाई। ठीक है बच्चों, यहीं तक आज रखते हैं। ठीक, धन्यवाद बेटा।